नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। महाराष्ट्र में नई कोरोना गाइडलाइन का ऐलान, जल्द शादी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लग सकती है पाबंदी, 5 लोग के एक साथ आने पर रोक। पंजाब बॉर्डर पर ISI की नई साजिश, भारत में ड्रग्स और हथियार पहुंचाने के लिए बनाई थी रणनीति। ओमिक्रॉन खतरे के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पंचायत चुनाव टाले जाने की कही बात, का चुनाव जिंदगी से बढ़कर नहीं। पंजाब के किसानों को चरणजीत चन्नी सरकार ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, 2 लाख तक कर्ज होगा माफ। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, पार्टी से नाराजगी के सवाल पर बोले हरीश रावत। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच योगी सरकार सख्त, शादी में सिर्फ 200 लोगों को इजाजत, 25 दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फ्यू। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, फेरी में आग लगने से 36 लोगों की मौत, 100 से अधिक झुलसे। पाकिस्तान के सांसद ही कर रहे हैं कर चोरी, 160 सांसदों ने नहीं जमा किया है आयकर। इस साल 63 कंपनियों के IPO ने निवेशकों को बनाया मालामाल, कंपनियों ने जुटाए 1.18 लाख करोड़ रुपए। फिल्म 83 में कपिल देव के रोल के लिए रणवीर सिंह नहीं बल्कि अर्जुन कपूर थे पहली पसंद। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।